मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग जो है चैप्टर 13 नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी टॉपिक कर रहे थे। अब इसी चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों ने जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी किए उसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के उसमें हम विंड एनर्जी जो है वो कर चुके हैं, और साथ ही साथ हमने सोलर एनर्जी भी कम्प्लीट कर लिया था हमारे लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में। अब हम हमारा नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है हाइड्रो पावर एनर्जी। हाइड्रो पावर एनर्जी क्या है, यहीं से वर्ड में ही आपको समझ आना चाहिए। हाइड्रो वर्ड जो है हमेशा वाटर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स आपने देखे होंगे, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप होते हैं जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मतलब कि वाटर की हेल्प से, वाटर से हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जाते हैं। वाटर को हम कन्वर्ट करते, वाटर से हम हेल्प लेकर कन्वर्ट करते हैं उसको एनर्जी में, ठीक है। यहाँ देखिए, इन हाइड्रो पावर प्लांट्स वाटर फ्रॉम रिवर्स आर स्टोर बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं और रिवर्स से पानी को लेकर उसमें स्टोर करते हैं, ठीक है, डैम में स्टोर करते हैं। माइक्रो हाइड्रो सिस्टम आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉलेशंस दैट टिपिकली प्रोड्यूस अप टू 100 किलोवाट ऑफ पावर। दे आर ऑफ्टन यूज इन वाटर रिच एरिया एज अ रिमोट एरिया पावर सप्लाई। मतलब कि हम लोग जो है पावर सप्लाई के लिए इनको यूज़ करते हैं, और ये बनाए भी इसीलिए जाते हैं, जो बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम डिराइव काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम रिवर्स एंड ओशन विदाउट यूजिंग अ डैम। एग्जाम्पल, ग्रैंड कॉली डैम इज वॉशिंगटन स्टेट एंड द एक्सोम्बो डैम इन घाना। ये जस्ट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आप इंडिया के भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे कि आप लोग नंगल डैम सुनते हैं ना, नंगल में भाखड़ा डैम है। इसी तरह बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसको हम NTPC भी कहते हैं, नेशनल पावर थर्मल प्लांट है, ठीक है। NHPC है, नेशनल हाइड्रो पावर प्लांट्स जो बने होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये कुछ डायग्राम है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है पूरा सेटअप होता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है, और किस तरह इसका सारा प्रोसेस है ये दिखाया गया है। उसके बाद इसके कुछ फ़ायदे, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर एनर्जी। इसके एडवांटेजेस क्या है, फ्लोइंग वाटर इन अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन नहीं करेगी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, विदाउट पॉल्यूशन है। द वाटर स्टोर्ड इन डैम कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कंट्रोल फ्लड्स एंड इरीगेशन। जो पानी को हम इकट्ठा करके रखते हैं डैम में, वो किस किस काम आता है, फ्लड जब बाढ़ आती, बाढ़ जैसे नौबत से बचाता है, और साथ ही साथ इरीगेशन पर्पज़ में भी हम यूज़ करते हैं। वंस अ डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस एट अ कॉन्स्टेंट रेट। जैसे मतलब डैम बनेगा उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हम करेंगे, ठीक है। ऑफन लार्ज डैम बिकम टूरिस्ट अट्रैक्शन इन देयर ओन राइट। और जहाँ बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं वहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं विजिट करने, उसको देखने के लिए, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, द इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई, जब पहली बार इसको सेटअप किया जाता है तो इसका कॉस्ट जो है वो बहुत हाई होता है। लार्ज एरिया ऑफ लैंड गेट्स सबमर्ज एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन प्रोड्यूस मिथेन गैस विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। जब हम, एक तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया कवर कर लेगा, बहुत ज़्यादा एरिया जो है सबमर्ज हो जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा, है ना। और साथ ही साथ क्या होता है, वहाँ पर जब हम डैम की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत सारी जो वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाती है, प्लांट्स वैरायटी है, एनिमल वैरायटी है, उनको हार्म होता है। जब वहाँ हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, जब भी हम कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं तो उस एरिया में जितने भी पौधे प्लांट्स आएंगे वो सारे हमें कट करने पड़ेंगे, जितने भी ट्रीज होंगे उनको कट करना पड़ेगा, वहाँ पर जो एनिमल स्पीसीज रहती हैं वो भी वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक है कि लॉस ऑफ वेजिटेशन भी होता है, ठीक है। इट कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम लार्ज एरिया ऑफ लैंड। जब कोई एरिया सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपको मैं एरिया दूं कि अगर हम बात करें कि हम अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में हमारा जो एरिया, इतना एरिया ले लिया जहाँ पर डैम का कंस्ट्रक्शन होएगा, तो क्या हुआ, ये पूरा एरिया जो है
डैम के लिए ले लिया गया, डैम बनाने के लिए अब हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोगों की सोसाइटी होती है, घर है, गांव है, वहाँ पर अगर डैम बनाने का प्रोसेस शुरू होता है तो लोगों को शिफ्ट होना पड़ता है, लार्ज अमाउंट में अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। गवर्नमेंट लेकिन उनको जो भी है पैसा या मनी जो भी होता है उसको देती है, लेकिन लोगों को अपने घर और ज़मीन छोड़कर जाना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बायोगैस। हमने तीन पढ़ लिए हैं, चौथा है हमारा बायोगैस। बायोगैस क्या है? बायोगैस प्लांट मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एन एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट से बनता है बायोगैस, ठीक है। एन एरोबिक डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द बायोगैस प्लांट हैज़ अ लार्ज अंडरग्राउंड टैंक मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। ये एक टैंक सा होता है बहुत बड़ा, जिसको हम ईंट और सीमेंट से मिलाकर बनाते हैं। द लोअर पार्ट इज़ द डाइजेस्टर एंड द अपर पार्ट हैज़ अ डोम विथ अ गैस आउटलेट। इसका मैं आपको आगे पिक्चर, इसकी पिक दिखाऊंगी, इससे आपको समझ में आएगा। इस तरह का होता है ये बायोगैस प्लांट। जब भी अगर आपको बायोगैस प्लांट पे क्वेश्चन आए तो आप ये जो है इमेज ज़रूर बनाए, आपके बुक्स में भी दिया होगा, इसको ज़रूर बनाए, जिससे आप बताएंगे यहाँ पर सारा जो, यहाँ पर जो है सारा जो वेस्ट है वो हम इकट्ठा करते हैं और बाद में यहाँ से बायोगैस जो है जनरेट होती है। उसके बाद एनिमल डंग इज मिक्स विथ वाटर इन दी मिक्सिंग टैंक एंड द सरली इज सेंड इन टू दी डाइजेसर। इसके अंदर डाला जाता है। द गैस इज टेकन आउट थ्रू द गैस आउटलेट एंड यूज फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग पर्पज। द सरली लेफ्ट बिहाइंड इज रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड इज यूज एज मैन्यूर फॉर क्रॉप्स। फ्रॉम कैटल डंग अलॉन वी कैन प्रोड्यूस बायोगैस ऑफ अ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ 2250 मेगावाट एनुअली, 22,500 मेगावाट एनुअली। 60 क्यूबिक फीट गोबर गैस प्लांट कैन सर्व द नीड्स ऑफ वन एवरेज फैमिली। दिस गैस कंटेन 55 to 70% मीथेन विच इज़ इनफ्लेमेबल एंड इट इज़ जनरली यूज एज कुकिंग गैस एंड द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुकिंग गैस के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये गैस को यूज़ किया जाता है। ये डायग्राम मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है बायोगैस के? बायोगैस के कुछ एडवांटेजेस हैं। क्लीन, नॉन पॉल्यूटिंग एंड चीप। क्लीन है, नॉन पॉल्यूटिंग एंड चीप है। डायरेक्ट सप्लाई ऑफ गैस फ्रॉम टैंक। नॉन मेंटेनेंस कॉस्ट, नो मेंटेनेंस कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है मेंटेनेंस की। डज नॉट कॉज एनी हेल्थ हजार्ड, कोई हेल्थ इशू नहीं है। प्रोवाइड अस बोथ द फ्यूल एंड द मैन्यूर, ये हमें प्रोवाइड करिए। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो बेटा आज के लिए हम यही दो कवर करेंगे, जिसमें हमने क्या किया, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बारे में पढ़ा और दूसरा बायोगैस। बाकी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।